विश्व पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की आजकल रातों की नींद उड़ चुकी है। गोवा के कैवलोसिम बीच की खुदाई के दौरान एक लिपि के कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जो इशारा करते हैं एक ऐसी प्राचीन सभ्यता की ओर जो महानता में हड़प्पा सभ्यता की बराबरी की लगती है। जेम्स, देखो ये कपड़े का टुकड़ा, इसकी बनावट और ढांचा किसी दूसरे ही युग के मालूम पड़ते हैं। मेरी जिज्ञासा जागरूक हुई इस कपड़े पर अंकित एक प्राचीन लेख से। जब हमने ये सारे टुकड़े जोड़े तो मालूम हुआ कि ये एक वस्त्र है जिस पे अंकित है एक लेख। उस वस्त्र पे अंकित लेख एक कहानी की रचना कर रहा था। लग रहा था कि लेख के अक्षर गोवा सभ्यता से प्रभावित हैं। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये चित्र नारियल के पेड़ जैसा दिखाई देता है और इस चित्र में एक मछली अपने सिर पे एक गेंद संतुलित करती हुई नजर आती है। ये शायद उस समय का कोई संचार का साधन या भाषा रही होगी। डॉक्टर लूसी सही थी और ये उन्हीं की जांच थी जिसने डॉक्टर जेम्स मैकफील्ड को ये खोज करने में मदद की कि ये एक प्राचीन लिपि है जिसका नाम उन्होंने प्यार से गोवा फेस रखा। हमने आखिरकार इस लेख का अर्थ निकाल ही लिया। बिल्कुल हमारी लिपि की ही तरह उनके भी 26 अक्षर हुआ करते थे, ए से लेकर जेड तक, और सारे अंक 1 से 10 तक। पर क्या हम कुछ और खोज पाएंगे? रुको 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 रुको, वहां पर एक है। भाग्य यकीनन इस सर्वेक्षण दल का साथ दे रहा था और जल्दी ही इन्हें एक और अवशेष मिला, गत्ते का एक ऐसा टुकड़ा जिसमें वही गोवा फेस का लेख था। ये गत्ते के टुकड़े काफी अद्भुत हैं। इस पे छपे चिन्ह बताते हैं कि ये किसी प्रकार के दिशा निर्देशक थे। अगर आप इन्हें ध्यान से देखें तो ये है बी ए आर एस बार यानी मधुशाला, और ये बी यू एफ एफ ई टी बुफे। तो ये दिशा निर्देशक चिन्ह इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इस सभ्यता का एक बहुत बड़ा समुदाय था जो समय समय पर किसी तरह का एक उत्सव आयोजित किया करता था। देखो ये रबड़ का टुकड़ा जो हमारे खुदाई क्षेत्र के पास मिला, किसी चीज का हिस्सा हो सकता है। इधर देखो जेम्स, एक और रबड़ का टुकड़ा पिछले टुकड़े के जैसा, और देखो इसमें भी वही लेख है। क्या होगा अगर हम ये टुकड़े एक साथ रखें? ये क्या, एक चप्पल? उनके पास उस समय में भी चप्पल थी, इसका मतलब उनकी सभ्यता काफी आधुनिक थी। ताज्जुब की बात है ये लेख इस पर क्यों अंकित है। इसको निकालो पहले। वो क्या है? डॉक्टर जेम्स मैकफील्ड के रास्ते में अभी और भी आश्चर्य आने बाकी थे। एक और बारीकी से सिला हुआ कपड़े का टुकड़ा खुदाई क्षेत्र में पाया गया। ये कोई टोपी नहीं है और ना ही कोई वस्त्र है। यहाँ कर रहे हो आज? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं जेम्स? मुझे पता नहीं, पर ये बहुत रहस्यमय है। इससे जुड़ी धातु की कड़ी से लगता है कि ये एक थैला हो सकता है। सभी थैले एक जैसे लगते हैं, सिवाय इनके ऊपर लिखी हुई लिपि के। हर लिपि एक अलग नाम दर्शा रही है, छपाई की तकनीक भी कुछ अलग प्रकार की नजर आ रही है। उस जमाने के लोग उष्मा अंतरण की तकनीक से ही इन अक्षरों को कपड़ों पर अंकित किया करते थे। ये काफी आसान था, इस्त्री का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टर मारिया की बातें सुनने और ये वस्त्र और थैले देखने के बाद मेरा अनुमान है कि उस समारोह में कुछ विशेष दुकानें थी। इन्हें हम क्या नाम दें? इनको हम गोवा स्टॉल कह सकते हैं, जहां कुशल कारीगर हर व्यक्ति को अपने थैले पर अपनी पसंद का एक व्यक्तिगत संदेश छापने का मौका देते थे। इन संदेशों में एक ही सामान्य बात थी, उन व्यक्तियों का नाम। ये काफी मजेदार है। बीच के उत्तर पूर्व हिस्से से हमें के अक्षर की लिपि का एक
पोस्टर मिला। सिर्फ यही नहीं जेम्स, एक और अक्षर आई एक नारियल के पेड़ के नीचे मिला और ये एफ समुद्र किनारे। मुझे अपने रिसीवर से पता चला कि ऐसे कई अक्षर बीच के विभिन्न भागों में पाए गए। ये तो एक खजाने के खोज के खेल की तरह है। अक्षर खोज बिल्कुल एक खेल की तरह, जो उस उत्सव में खेला गया होगा। हर प्रतिस्पर्धी को एक अक्षर तलाशना होगा, ए से लेकर जेड तक, और विजेता को दिया गया होगा एक खास उपहार। क्या ये खोज इन्हें किसी ऐसी खोज की तरफ ले जाएगी जिसकी कल्पना पुरातत्व सर्वेक्षकों ने कभी नहीं की होगी? क्या केवलोसम बीच की रेत में और भी सुराग छुपे होंगे? ये खोज है किसी बड़े रहस्य के छोटे हिस्से। इंटरनेट से भी हमें कई सुराग मिले जो हमें डॉक्टर एंटोनियो डाइक्स ग्लोबल साइबर म्यूजियम के अध्यक्ष ने दिए। उस जमाने में इंटरनेट एक बहुत ही लोकप्रिय माध्यम था। हमारे पुरालेखों में हमें उस जमाने के सबसे लोकप्रिय वेबसाइट के बारे में पता चला और हमें मिली एक ऐसी वेबसाइट जो खास बनाई गई थी उस लिपि को इस्तेमाल करके। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक आधिकारिक वेबसाइट लगती है। अगर आप इस कड़ी पर क्लिक करें तो आप ये लिपि डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका अर्थ है ये एक ट्रू टाइप लिपि थी। मेरे अनुसंधान के अनुसार लोगों ने ये लिपि उस जमाने की सामाजिक आदान प्रदान साइट्स जैसे ऑर्कुट और फेसबुक से भी डाउनलोड करने शुरू कर दी थी और उसका खूब इस्तेमाल भी किया। कहानी अब और भी सनसनीखेज होती जा रही थी और पुरातत्व सर्वेक्षक काफी नजदीक थे एक ऐसे समुदाय के रहस्यों का पर्दाफाश करने तक जो आज से करीब 100 साल पहले सक्रिय था। इस समुदाय की हर मूल वस्तु में इस लिपि का इस्तेमाल किया गया था, दिशा निर्देशक चिन्हों से लेकर वस्त्रों, चप्पलों और थैलों पर भी, हर चीज पर। मानो जैसे एक ही भाषा हर माध्यम में इस्तेमाल की जा रही थी। और जैसे जैसे रहस्य खुला, हमें ये एहसास हुआ कि ये एक विज्ञापन समुदाय का उत्सव था। कहानी के अंतिम चरण में हमें मिले थॉमस मैडी। एक विज्ञापन व्यवसाय की हैसियत से उन्होंने हमें इस धुंधली पहेली के कुछ खास सुराग दिए। साल पहले काम के तनाव, अनुचित मांगों और काम के अनगिनत घंटों ने विज्ञापन समुदाय को बना दिया था कुछ ज्यादा ही गंभीर और नीरस। आमोद प्रमोद और जश्न के दिन जो इनकी कल्पनाओं को नई ताजगी देते थे, अब खत्म हो चुके थे। मुझे लगता है कि ये उत्सव विज्ञापन व्यवसाय की उस खोई हुई ऊर्जा को फिर से उत्पन्न करने का एक जरिया था। मेरा अनुमान है कि ये वही अनुदेश है जो एक विज्ञापन संस्था को उस उत्सव के प्रचार के लिए दिए गए होंगे। 8 महीनों के गहरे अनुसंधान के बाद पुरातत्व सर्वेक्षकों ने ये निष्कर्ष निकाला कि इस लिपि की रचना एक ऐसे विज्ञापन उत्सव के लिए की गई थी जो 100 साल पहले आयोजित हुआ था। देखो जेम्स, मुझे इस थैले में क्या मिला है? लगता है वो एक भोग विलास में डूबा हुआ समुदाय था। शायद हमें 100 साल पहले जन्म लेना चाहिए था।